आईआईटी कानपुर की तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएचडी या एडवर्टीजमेंट भी आप कह सकते हैं सो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं सिर्फ पीएचडी नहीं और भी कुछ कोर्सेज़ हैं इंक्लूडिंग एमटेक टेक तो जो भी प्रोग्राम्स हैं हम उनके नाम देखते हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द पी एडमिशन तो हेलो एवरी वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो देखिए सबसे पहले आपको एज़ यूजल विज़िट करनी होगी इनकी वेबसाइट जो कि है आई आई टी के डॉट ए सी डॉट इन लिंक्स आपको सभी मतलब जितने भी रिक्वायर्ड हैं जितने भी पॉसिबल हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप उसे चेक कर सकते हैं तो जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑबियसली आप स्क्रॉल डाउन कीजिए देन यहाँ पे एज़ यू कैन सी अनाउंसमेंट का एक सेक्शन है जिसमें सेकेंड नंबर पर है एडमिशन टू पी एच डी एम टेक एम डेस प्रोग्राम्स इसी पर क्लिक करेंगे हम तो ये पेज ओपन होगा इसकी भी लिंक सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में है तो जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो सारे प्रोग्राम्स बताए गए हैं किसके सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस में अवेलेबल हैं सो एम टेक एंड पीएचडी की बात करते हैं अलग अलग तो ये इन सभी ब्रांचेस में अवेलेबल हैं आप ये सभी ब्रांचेस देख सकते हैं ठीक है उसके बाद और ऑल्सो ब्रोशर में आपको एरियाज़ भी मिलेंगे ठीक है जैसे किस किस एरिया में अवेलेबलिटी है ये सारी चीज़ें तो वो आप इन डिटेल भी देख सकते हैं फ़िलहाल ये एरियाज हैं सॉरी आई मीन डिसप्लिन या ब्रांचेज हैं देन एम एस बाई रिसर्च के लिए ये सभी एरियाज़ हैं डिया डिपार्टमेंट्स हैं ब्रांचेज हैं जो भी आप कह सकते हैं फिर पी एच डी ऊपर हमने जो देखा पी एच डी वो सभी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस थे ठीक है तो तो नीचे जो है वो साइंसिस और ह्यूमानिटीज़ है तो पी एच डी साइंसिस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सो केमिस्ट्री कॉगनेटिव साइंसिस इकोनॉमिक साइंसिस लाइफ साइंस एंड मैथ्स स्टैट्स एंड फिजिक्स एंड ह्यूमानिटीज़ में लिटरेचर है लिंग्विस्टिक सी एल टी इंग्लिश के अंडर देन फाइन आर्ट्स है फिलोसफी है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। एम डेस अवेलेबल है टी आई आई टी मतलब डिप्लोमा अवेलेबल है किस किस स्पेशलाइजेशन तो देखिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स के स्पेशलाइजेशन जिनके पास है उनके लिए ये अवेलेबिलिटी है तीन आपके डिस्प्लेन्स या एरियाज़ हैं जियोडसी नेविगेशन एंड मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग एंड जे तो आई थिंक ये तीनों ही बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छे लाइक एरियाज़ हैं तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हों या जियो इन्फॉर्मेटिक्स से हों तो आप अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिप्लोमा देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अभी हम देखेंगे जनरल इंफॉमेसन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है पीजी मैनुअल है यू कैन चेक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं रिजर्वेशन जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं इस पर आप क्लिक करेंगे इसकी लिंक भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में सो so यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको एक साथ मिलेंगे तो हम वन बाई वन देखेंगे ओपन करके डोंट वरी देन यहाँ पर फाइनल ईयर के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है या जिनका फाइनल सेमें प्रोवाइडेड कि आप फिफ्टीन ऑफ जुलाई से पहले पहले फिनिश कर रहे हो प्रोग्राम ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल रहेगा एडमिशन जब कंप्लीट कर लेंगे इस डेट से पहले और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे तभी आपका मतलब फाइनल हो जाएगा एडमिशन एल्स इससे ज़्यादा टाइम लगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा राइट फ़ाइनेंशियल सपोर्ट या इंस्टीट्यूश इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप जो भी नाम से आप बोलें वो सभी को मिलेगा जो भी नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं पीएचडी एमटेक और एमएस वाले ठीक है आप सबको मिलेगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये नहीं लिखा कि किसी स्पेसिफिक को मिलेगा ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेगा सो आपको सब मिलेगा कितना मिलेगा वो भी आगे मैंशनड है सो हम देखते हैं अभी फिर प्रोसेसर की बात करें सो so, ऑनलाइन ही है सारी चीज़ें लास्ट डेट फिफ्टीन ऑफ अप्रैल है ट्वेंटी थर्ड मार्च से स्टार्ट हुआ है ये एप्लीकेशन ठीक है अब यहाँ पे एम टेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पीएचडी के जो भी एप्लीकेट्स है आपको दो लेटर ऑफ रेफरेंस भी अरेंज करने हैं इसके लिए आपको बस नेम और ईमेल एड्रेस देने होंगे रेफरीज के दोनों के ठीक है उसके बाद उन्हें ऑनलाइन सबमिट करना होगा अपना रिकमेंडेशन उन्हें मतलब एक ऑटो जनरेटेड मेल जाएगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली तो उसके थ्रू उन्हें वो करना होगा ठीक है तो ये कुछ बातें थी एप्लीकेशन फीस रुपीज़ फ़ाइव हंड्रेड फॉर जनरली डब्ल्यू एस ओ बी सी एंड ओ बी सी एन सी एल कैंडिडेट्स एंड इट इज़ टू फिफ्टी रुपीज़ फॉर एस सी एस टी एंड ऑल डी ए पी कैंडिडेट्स और उसके अलावा फॉर नेशनल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस वेट एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई लाइक यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे एंड ऑब्वियसली फी भी सेपरेट लगेगी तो अब हम वन बाई वन करके लिंक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लिंक्स वाला था यहाँ पे इसको ओपन करते हैं सो so, इस पर क्लिक ही करना है और कुछ नहीं सो so, यहाँ पे इसकी बिल्लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो so, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सारे लिंक्स गिरे हैं अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाली लिंक है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा ये पेज ओपन होगा इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनस हैं अप्लाई करने से पहले इसे भी ज़रूर पढ़िएगा कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पर नंबर्स और मेल आई दी हैं प्लीज़ 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 प्लीज, उन्हें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा पहले कोई भी इशू होता है तो ठीक है और एक बार ये सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ भी ज़रूर लीजिएगा और गलतियाँ मत कीजिएगा करेक्शन का ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा देन यहाँ पे है कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी आपको डिपार्टमेंट्स के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर से डिटेल्स हैं वो सभी आपको दिख रही है नाम भी दिख रहा है तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशू होगा उन्हें मेल कीजिए कॉन्टैक्ट कीजिए आपको उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनसे ले सकते हैं वो आपको ऑफिशियली जो भी इंफॉमेशन ऑफिशियल है ऑथेंटिक है वो देंगे देन यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फ़ॉरन नेशनल्स के लिए आप एफ भी देख सकते हैं देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अभी देखते हैं फिर फाइनेंशियल असटेंटशिप एंड इन्फॉमेसन ब्रोशर इंफॉमेशन ब्रोशर में आपको मेनली स्पेशलाइजेशन डिटेल्स मिलेंगी एरियाज़ दिखेगा फैकल्टी की प्रोफाइल मिलेगी ये सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं जैसे मार्क्स कितने चाहिए ये सभी चीज़ें तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल असटेंटशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा हम अमाउंट की बात करें वैसे और भी जगह है बट देख लेते हैं सो फाइनेंशियल असिस्टेंट असिस्टेंस फॉर एम टेक एम के लिए वैलिड गेट स्कोर ओके सो यहाँ पे कंडीशन लिखी है अभी तक लिखा हुआ था नॉन स्पॉन्सर सभी कैंडिडेट्स बट ओके सॉरी फॉर दैट सो वेलिड गेट स्कोर जे आर एफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर अबॉर्डिंग इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप टू एम टेक एम टेमें स्टूडेंट्स एंड दिस रिक्वायरमेंट इज़ वे फॉर दोज विद एम बी बी एस डिग्री एंड ओके सो अगर बी टेक ग्रेजुएट से आई टी से या एम बी बी एस से तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप गेट स्कोर नहीं हैं जे आर एफ नहीं है तो भी आपको मिलेगा अदरवाइज बाकी कैंडिडेट्स के पास उनमें से एक चीज़ होनी चाहिए दैन पी एच डी इंजीनियरिंग के लिए सेम चीज़ है वैलिड गेट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड उनके लिए जिनके पास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग डिजाइन या आर्किटेक्चर में है देन रिक्वायरमेंट ऑफ गेट इज वेव्ड उन कैंडिडेट्स के लिए ऑब्वियसली सी एफ टी आई से जिन्होंने किया है एंड द कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस ओके सो यहाँ पे है कि साइंस में जिसकी मास्टर्स डिग्री दैट इज एम एस सी हैं आप तो आपके पास या तो वैलिड गेट स्कोर हो या आपने जीआरएफ या नेट क्वालिफाई किया हो सिर्फ नेट भी क्वालिफाई किया है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मिलेगा ये पीएचडी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए था नॉट टॉकिंग अबाउट पीएचडी के साइंसेस के लिए इसमें इधर मस्ट है वैलिड गेट स्कोर या तो गेट स्कोर हो या जे के लिए क्वालिफाइड हो आप एंड सेम uh, चीज़ यहाँ भी है कि आईआईटी से किया है तो जेआरएफ की कंडीशन नहीं है ना गेट की है गेट और जेआरएफ के अलावा जे स्कोर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर फिजिक्स तेन पीएचडी एचएसएस के लिए भी है लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेट भी है तो भी यू आर एलिजिबल आपको असिस्टेंस मिलेगा गेट स्कोर हो या फिर जे आर एफ या नेट ठीक है उसके अलावा आई आई टी से जिन्होंने किया है उनके लिए सभी चीज़ें वेव्ड हैं देन यस yes, ये कुछ चीज़ें थी सो so, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टिल कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं सो so, यहाँ पे देखिए मैंशनड है बट क्या मैंशनड है सो so, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं ये सिर्फ मिनिमम लिखी हुई हैं देन यहाँ पे स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स या सी पी आई ओके सो अभी जब हम देखेंगे ना एलिजिबिलिटी तो आपको डिपार्टमेंट में कई जगह मिलेगा स्पेसिफाइड मिनिमम तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इट एम्प्लॉज़ मिनिमम ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स ठीक है अगर वहाँ पर मार्क्स लिखे हैं तब डिफरेंट है अदरवाइज 55 मतलब जहाँ पे भी स्पेसिफाइड मिनिमम लिखा है उसका मतलब 55 परसेंट या 5.5 होगा सीपीआई ठीक है तो येस हैज़ एज इट इज़ लेस दैन द मिनिमम सी पी आई अदरवाइज द स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स एम्प्लॉइज़ मिनिमम पास मार्क्स या सी पी आई और इन्फॉर्मेशन आपको इफॉर्मेशन ब्रोशर से मिल जाएगी अब यहाँ पे है क्राइटेरिया अब आपका जो भी एरिया है ब्रांच है उससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा वैसे यूजुअली या नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे वही लिखा है स्पेसिफाइड मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए 55 परसेंट से कम अलाउड ही नहीं है ठीक है उससे कम मार्क्स है तो आप शॉर्टलिस्ट लिस्ट नहीं होंगे अल्टीमेटली क्योंकि टॉप रैंकर्स भी सभी अप्लाई कर रहे हैं सो मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग में हो मार्क्स या सी पी परसेंट या 5.5 से कम ना हो बैचलर्स वाले हैं तो 75 होना चाहिए देन एम वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तीन कंडीशन है उनके लिए मास्टर्स में सिक्सटी होना चाहिए बैचलर्स में सिक्सटी और नाइन्टी या तो जे हो या गेट स्कोर नाइन्टी फाइव परसेंटाइल और हाई ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अलग से दिया हुआ है देन सिमिलरली सी के लिए अलग है तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक लिखा है तो वही सबके लिए है तो इसलिए अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा देन यहाँ साइंसेस के लिए भी सेम चीज़ है फिफ्टी फाइव परसेंट से कम तो होना ही नहीं चाहिए देन गेट स्कोर हो या क्वालीफाइड उजारफ या इंस्पायर की फेलोशिप हो ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक साइंसिस के लिए सेपरेटली यहाँ पे गिवन है देन यहाँ पे है कॉग्नेटिव साइंस दैन एच की बात करें तो so, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में स्पेसिफाइड मिनिमम दैट इज़ फिफ्टी फाइव परसेंट से कम ना हो या बैचलर्स वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं फोर ईयर प्रोग्राम वाले तो सेवेंटी फाइव परसेंट है उनके लिए क्राइटेरिया अगर आप मास्टर्स डिग्री एम एस सी हैं एम ए है एम कॉम है, है या आप चार्ट अकाउंटेंट में मास्टर्स हैं तो इस केस में या किसी और अलाइट फील्ड में एच के तो उसके लिए तीन कंडीशन है सबसे पहला फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन मास्टर्स फिफ्टी फाइव से कम नहीं उससे ज़्यादा ही फर्स्ट डिवीज़न इन बैचलर्स डिग्री सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा इन बैचलर्स एंड जे या नेट जे सिर्फ नहीं नेट भी है तो यू कैन अप्लाई रेलिवेंट डिसिप्लिन में या गेट हो एक्स में तो भी या और कोई भी नेशनल एग्ज़ाम है तो भी यू कैन अप्लाई ठीक है सो एच के लिए रिलेटिवली कम चीज़ें हैं तो आप अगर ऐसा कंडीशन फ़ुलफिल करते हैं तो अप्लाई कीजिए उसके बाद अब यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं देन आप डिज़ाइन प्रोग्राम देखिए एम टेक एम डेस इसी तरह सारी ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं फाइनेंशियल असिस्टेंटिप में अमाउंट कितना होगा सो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड है फॉर एट आवर्स ऑफ वर्क पर वीक करके एम टेक एम एस के लिए फॉर पी एच डी थर्टी वन थाउजेंड फॉर टू ईयर्स एंड देन फॉर थर्ड ईयर इट वुड बी थर्टी फाइव थाउजेंड राइट तो थर्टी वन थाउजेंड दो साल देन नेक्स्ट थर्ड वाले साल में आपको थर्टी फाइव थाउजेंड मिलेगा तो यस, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आप देखेगा उसमें एरियाज़ मेनली है क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है तो एक बार आप उसे पढ़िए और कोई इशू होता है तो आपको डिपार्टमेंट में जो भी कॉन्टैक्ट करना है आप कर सकते हैं सारी मेन इंफॉर्मेशन बता दी यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट या कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें लिखी हुई हैं सो आप इसे देख लीजिए कोई इशू होता है तो येस कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या अभी तो टाइम है तो आप मेल भी ज़रूर कीजिए और येस दैट इज़ इट ये था आज अच्छा का वीडियो थैंक यू सो मच